अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज के लिए जो आपकी रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है चिकन कोरमा, और ये दानेदार किस्म का कोरमा बनेगा। अच्छा, उसके लिए चिकन जो है वो है तकरीबन 3 पाव के करीब, और उसके लिए मैंने बादाम ये लिए हैं, नमक है, देगी लाल मिर्च है, और ये लाल मिर्च है। दही जो है वो ये प्याली भर के लेकिन मैं डालूँगी आधी प्याली, और ये 3-4 सब्ज़ इलायचियाँ हैं। तो सबसे पहले 4 सब्ज़ इलायचियों को जो है हम इसको कूटेंगे ताकि इसके छिलके जो हैं वो अलग हो जाएं। और इसके साथ ही इनको छिलकों को मैं अलग करूंगी। तो फिर इसके बाद इसमें मैं बादाम शामिल कर दूंगी, और बादाम जो है मैं वो इसके साथ ही मैं बादामों का भी गोटा लगा दूंगी। ठीक है, ये आपकी इलायचियाँ जो है ये मैं अलग कर रही हूँ। अच्छा, पहले हम इसमें डाल देते हैं चिकन में 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये गया। उसके बाद हम आधी प्याली जो है इसमें डालेंगे दही, दही गया। दही की प्याली को साफ़ कर लें जो गंदी हो गई है, और इसको जब तक मैं भून रही हूँ, और इसके साथ ही मैं इसमें डालती हूँ बादाम। जी, ये हो गए बादाम, और ये मोटे मोटे कूट के डालने हैं। ये बादाम के, और इसमें ये मसाला चला गया, और हम इसको अब मैरिनेट करके चिकन को रख देंगे। बस इसको मैं अब चिकन को ये मैरिनेट करके रख रही हूँ। तेल जो है गर्म हो गया है, इसमें जो है 3 छोटी इलायचियाँ हैं, और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है, 3 लौंगे हैं, कुछ काली मिर्चें हैं, और बादियान का फूल है। ये हम डालेंगे ऑयल में। और इसके बाद ये सारी जो चिकन मैरिनेट करी थी ये डालेंगे। सारा मसाला जो है इसका सब आप साफ कर लें, और चिकन को हमें फ्राई करना है तेज़ आंच पे। ये देखिए कितनी शानदार शक्ल है, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू तो खैर मैं आपको नहीं बयान कर सकती। ये हमने फ्राई कर लिया है अच्छी तरह जो है, ये मैंने भून लिया है, और ये देखिए आप इसका घी जो है वो भी आ गया है। और मैंने जो है प्याज 3 अदद है दरमियाने साइज की प्याज फ्राई करके, और उनको मैंने ये क्रश करके रख लिया था। ये अब इसमें मैं डाल रही हूँ, और इसको मैं अब हल्की आँच पे गलने के लिए छोड़ दूँगी। बिल्कुल मैं आधा कप के करीब जो है सिर्फ पानी डालूँगी, और इसको हल्की आँच पे गलने के लिए छोड़ दूँगी। गया पानी, और जनाब अब हम कर देंगे चूल्हा हल्का, और इसको रख देंगे गलने के लिए। तो जनाब मिलते हैं फिर। जी जनाब, तो हो गया है कोरमा रेडी। ज़रूर बताएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। पसंद आए थम्स अप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जनाब मैं अपना खाना स्टार्ट करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रेसिपी पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।